नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह कोरोना वायरस की संख्या 1,00,000 से स्टार्टिंग हुई थी, जहां पर पहले यह 10,000 से स्टार्टिंग हुई थी। अब आज के समय में 24 घंटे के अंदर 3.5 लाख के करीबन केस निकल रहे हैं। यह संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मरने वालों की संख्या भी देखा जाए तो 3,000 के आसपास में पाई गई है। वहीं एक बड़ी खबर हमें दिल्ली से आ रही है, जहाँ पर लॉकडाउन को 3 मई तक दोबारा से बढ़ा दिया गया है। यह लॉकडाउन वैसे सोमवार की सुबह तक था, लेकिन इसको 3 मई तक दोबारा से बढ़ा दिया गया है। इसमें जो गाइडलाइंस थी, वही गाइडलाइंस जो पहले थी, वही गाइडलाइंस को अभी दोबारा से फॉलो किया जाएगा। अब जानते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन दोबारा से क्यों बढ़ाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली, जो कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, जहाँ पर काफ़ी कंपनियाँ हैं, काफ़ी बड़े उद्योग और छोटा व्यापार, हर तरीके का व्यापार यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर जो कोरोना वायरस की संख्या है, कोरोना वायरस से मरीजों की जो संख्या है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मरने वालों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाँ, सरकार इस पर काफ़ी पाबंदी लगा रही है, नए नए हॉस्पिटल बना रही है और काफ़ी बेडों का इंतजाम कर रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतजाम कर रही है। सरकार अपने पूरे मुहिम पर है कि किसी न किसी तरीके से कोरोना वायरस को दिल्ली में रोका जाए। लेकिन कोरोना वायरस की संख्या को बढ़ते हुए देश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह अनाउंसमेंट किया है कि दिल्ली में अब 3 मई तक लॉकडाउन लगाया जाए। शायद हो सकता है ये लॉकडाउन और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ माहौल बना हुआ है, लोग लापरवाही कर रहे हैं। और लापरवाही क्या, कि लोगों की मजबूरी है कि अपना बाहर निकलना, क्योंकि उनको राशन पानी के लिए बाहर निकलना पड़ता है। जिस तरह से यहाँ पर कोरोना वायरस बढ़ रहा है, शायद हो सकता है ये लॉकडाउन दोबारा से बढ़ाया जा सकता है। अब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से क्या कहा और किस तरह से दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया है। धन्यवाद। से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उन उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन कभी और बढ़ाना चाहिए, तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए।